Let's go to Pakistan. पाकिस्तान जा रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तेरे चाचू कह रहे तू पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा, क्या ख्याल है? एयरलाइन में गलत एयरलाइन में किसी और जाएगा। काशिम तू इतना हैरान क्यों है? तो अभी हम लोगों ने घर वालों को पीछे छोड़ दिए, तो मैं और काशिफ कहाँ गया आगे भागते हुए। ये देखो अमीर लोगों का हैंड बैगेज और ये गरीब लोगों का ये कैमरा है वैसे, और मेरा देखो यू नो लैपटॉप बैग और लगेज बैग। सो लेट्स गो नाउ जी मेलबर्न एयरपोर्ट। और इस ये वाली जो साइड है मेलबर्न एयरपोर्ट, ये मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो और आप डिपार्ट करते हो मतलब अराइव होते हो तो आप डायरेक्ट निकल आते हो, तो ये वाली साइड मुझे ना मुझे पिछले दफ़ा जहाज से उतर के सीधा डबल रोड पे उतारा, डबल रोड पे मेरा भी यही सीन था। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये पूरी जगह, ये देख लो। तो ये है एयरपोर्ट, मतलब किसी शॉपिंग मॉल से कम नहीं है, पूरा शॉपिंग मॉल है, ड्यूटी फ्री है ना। तो बस अभी लाउंज में बैठे हुए हैं वेटिंग में, तो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स रह गए, 2:45 पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, और 3:45 पे वो क्या कहते हैं डिपार्ट हो जाएगी फ्लाइट। और कितने गया जय, लेट मी शो यू द बोर्डिंग पास एंड द टिकट। ये रहा जी बोर्डिंग पास, ये रहा जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, एंड ये रहा मैं। सो अब बोर्डिंग करते हैं, तो जाते हैं, पहली डेस्टिनेशन है अबू धाबी, वहाँ पे हमारा 14 आवर्स का लेओवर है, और वहाँ के लिए हमारे काफ़ी प्लान्स हैं, हमने होटल में रूम बुक किया हुआ है और सब चीज़ें, तो वहाँ जाके फिर आपको बताते हैं। सो लेट्स गो टू अबू धाबी। वो जो लोग खाली खाली पिक्चर्स लेते हैं ऐसी टर्न में, वो खाली टर्न क्या होती है? आई थिंक वो अमीर लोग होते हैं, हमारे तरफ गरीब नहीं होते जो इकॉनमी क्लास में चलते हैं। ये बता दें, हम गरीब नहीं हैं, हम बस गरीबों के साथ जा रहे हैं कि गरीब जाते कैसे हैं। ये देखो फुल भरा हुआ है, और वो इंस्टाग्राम पे जो लोग पिक्चर डालते हैं ना, ये पूरी जगह खाली होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी ये होती है। अबू धाबी लैंड कर गए, ये देखो हालत टाइट हो गई, बहुत लंबी फ्लाइट थी, 13 आवर्स की फ़्लाइट ख़त्म ही नहीं होती, मतलब आप जितनी भी मूवीज़ देख लो ये बंदा दो बार सोया है। आज का ना इकॉनमी इतिहाद और इकॉनमी ना सफ़र करके तो जी पिरवदाई वाली बस याद आ जाएगी। नहीं मतलब मेरा ये था कि यार अगर एमिरेट्स नहीं है, क्योंकि एमिरेट्स की टिकट हमें नहीं मिली थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, और फिर हमें इतिहाद मिल गई, और यार इतिहाद का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ये है ना कि हम पहली दफ़ा जब आ रहे थे तो एमिरेट्स से आए थे, तो हमारा एक लेवल सेट हो गया था कि यार ये सीट्स होती हैं, तो जब आप उससे नीचे लेवल पे आते हो तो फिर आपको पता लगता है यार नहीं, क्योंकि इसमें जो लेग स्पेस है और बाकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही मतलब एमिरेट्स के लेवल पे नहीं है, तो हमें फ़ील हुआ। तो अभी ये है कि हमने ट्रांज़िट वीज़ा लिया हुआ है, अभी हम जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे, तो फिर देखते हैं, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो आगे फिर देखते हैं क्या करें। ओके गाइस, तो अबू धाबी में ना एंटर करते ही बाहर एयरपोर्ट से जैसे ही निकले, इतनी गर्मी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था, और मुझे मोस्टली पसंद भी ठंडा मौसम, असल में सीन ये था कि मैंने ये वाला जैकेट पहना हुआ था पूमा का, और ये बहुत गर्म है, मतलब मैं जल रहा था अंदर से, मैं काशिफ को बोल रहा था, मैंने कहा यार जल्दी जल्दी होटल चलते हैं, तो अभी हम होटल आ चुके हैं, ये मेरा रूम है, और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ से ये रूम खुलता है, वहाँ से वो रूम खुलता है, और यहाँ पर ये इस बंदे का रूम है, काशिफ बंदे का, और ये अभी तक बैठा हुआ, मैंने शावर भी ले लिया, और ये अभी तक अपने नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और वो सब चीज़ें कर रहा है, सो यू कीप डूइंग दैट। ये इसका रूम है, और ये साथ में बगल में मेरा रूम है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ओए, इधर ये मेरा रूम है, ओए ये मेरा रूम है, तो फिर मैं इधर हूँ। तो अभी हमारा 14 आवर्स का ले ओवर है यहाँ पर,
तो यहाँ पर अभी आराम करते हैं क्योंकि 12 बजे हमें फिर एयरपोर्ट जाना है और फिर पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट है वहाँ से। तो लेट्स सी, अभी तो बस थोड़ा सा रेस्ट करना है बस और कुछ नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर सॉकेट भी चेंज हैं, ये देख लो, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में जो है वो चेंज सॉकेट होते हैं और ये चीज़ हमने जहन में रखी नहीं कि यार हमें वो जो ट्रैवलिंग वाला जो सॉकेट होता है वो ले लेना चाहिए, हमें पता ही नहीं लगा कि यार जहन में ही नहीं आया कि वो ले लेना चाहिए, तो वो रह गया। तो इस वजह से अभी फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, कैमरे में भी चार्जिंग ख़त्म होने वाली, इसीलिए मैं इसको चार्ज को बचा रहा हूँ ताकि आगे के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? Did you get dressed? I'm looking. उसे पाकिस्तान के लिए फ्लाइट में बो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। ये देखो काशिफ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुझसे और ये रहा हमारा जहाज। So after so so long, like almost 3 years के बाद पाकिस्तान। Let's go. There's nothing can be left in my chest, I've been a bad dream. You can run, you can... Pakistan land kar gaye hai. So ye ab aisa time aaya hai ki ye apne ghar jayega, main apne ghar jaunga. Aur ek mahine ke liye koi contract nahi. Haan, acha hai, bas pak gaya hu main isko dekh dekh ke. Let's go.